बसमरुलेक्कुम कैसे हैं आप सब लोग तो आज है चांद रात और आप सबको बहुत बहुत चांद चांद रात जो है मुबारक और इस चांद रात चांद रात तो ख़ैर हमेशा ही बहुत अच्छी होती है और हर दिन की जो है ना इस चांद रात में खुशी होती है ईद की भी होती है लेकिन ये देखें साथ साथ कपड़े भी हैं खुशियाँ भी हैं और बस अल्लाह ताला इन खुशियों को बरकरार रखे और साथ साथ चांदरा चादरात का भी बनाने जा रही थी तो मैंने बोला आप लोगों से भी शेयर करूं और जो जो हम लोगों ने तैयारियां की हैं वो भी आप लोगों से शेयर करूं और आप लोगों की क्या तैयारियां हैं ज़रूर बताइएगा तो ये मेरे बच्चों के कपड़े हैं अभी वो नहीं हैं लेकिन मैंने प्रेस करके सब कपड़े जो हैं अपने रेडी करके रख दिए हैं इसलिए कि थोड़ा सा घर आपको फैला हुआ लग रहा होगा <laughs> क्योंकि ज़ाहिर चाँद रात है अगर और दिनों की तरह सिमटा हुआ हो तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा तो ये जो दिन होता है ना ये सब दिनों की जान होता है ये इसमें इतने खुश होते हैं बच्चे बड़े हर कोई इतने कि मैं बता नहीं सकती कि इस दिन की क्या क्या हैं और क्या खुशियाँ हैं जब छोटे होते थे तो अपने माँ बाप को बोलते थे कि हमारी चीज़ें कहाँ हैं हमारी चिड़ियाँ कहाँ हैं हमारे कपड़े कहाँ हैं हमारी जूती कहाँ हैं हमारे बुंदे कहाँ हैं हमारी और जो भी हैं चीज़ें हमारी वो कहाँ हैं तो बस आस्ता आस्ता करके माँ बाप भी चले जाते हैं और जो है घरों में सन्नाटे हो जाते हैं लेकिन हमारी फैमिलीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह और उन्होंने हमें ऐसी कोई कमी नहीं महसूस होने दी कि हम बोलें कि हाँ भाई कोई कमी रह गई है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छे रमजान गुजरे अल्लाह ताला हमारी इबादतें हमारी जो भी हमने पढ़ा है वो सब कबूल करें और जो हमसे गलतियाँ हुई हैं वो हमें माफ़ करें और जो है आ, गुजर गए मेहमान थे आज नहीं होते होते भी ईद हो गई और पहले से ही अंडरस्टूड था कि उनतीस रोज़े होंगे तो चलें खैर बच्चों की अचानक ईद अलग होती है जो है तकाफ़ से उठें अल्लाह ताला उनका अहतकाफ़ कबूल करें और जो है अपने अपने घरों में सबको खुशियां दें और फिर थोड़ा सा ये बचपन की बातें हैं वो भी मैं ज़रूर करूँगी वो ये कि जब हम छोटे होते हैं हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ प हमारे माँ बाप हमारे लिए जो है ना बहुत चीज़ें लेते हैं पेटियां हैं इनकी चूड़ियाँ ले लो इनकी इनके बूंदे ले लो इनके जो है इनकी जूतियाँ ले लो इनके कलर वाले कपड़े ले लो अच्छे अच्छे शलवार कमीज फ्रॉक हैं बच्चों की शलवार कमीज़ें ले लो ग्लासेस ले लो वॉलेट ले लो क्या क्या ले लो लेकिन और उसके बाद आस्ता आस्ता जो है एक एक करके माँ बाप भी चले जाते हैं और फिर हम भी अपने अपने घरों के हो जाते हैं फिर हमारे बच्चे हैं फिर वो हमसे पूछते हैं मम्मा हमारी चूड़ियाँ हमारे कपड़े हमारी सब एससरीज़ जो है वो जिससे ईद होती है फिर बच्चियाँ खुश होती हैं और बच्चे भी के चलो जी ईद आ रही है तो बहुत खुशी से मनाते हैं बस एक छोटा सा व्लॉग था थोड़ी सी बातें करने को दिल चाह रहा था तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से शेयर करूं ये मेरी बेटी की तैयारी है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूं इन सुबह जो मैं ये तैयार होंगी फुल इनकी रेडी सब चीज़ें जो हैं इन्होंने स्टैंड बाय रखी हुई हैं और ये वक्त से पहले ही तैयार हो जाती हैं तो बस हल्का फुल्का सा एक विलॉग था दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कल ईद का दिन है इनशाला जो है अल्लाह ताली जो भी हमारी खुशियाँ हमें देखना नसीब करें और जो है आप सबको देखना नसीब करें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा चांद रात मुबारक और ईद मुबारक अल्लाह हाफिज़